Good morning friends, welcome to conceptual classes. ये पॉलिटी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आफ्टर फंडामेंटल राइट। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लेसन 11 में, तीन पार्ट बनाया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किया सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर बात किया फेडरल और यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग बात किया सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने देखा पार्ट टू में, पार्ट बी में। इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग रहता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट का तो रिलेशन ठीक है, लेकिन दो स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होता है वो रिलेशन देखेंगे, जो कि छोटा चैप्टर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मेन चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में हम लोग देखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ चैप्टर को डिटेल देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडिया जरूरी है। बेसिक आइडिया क्या है, हम लोग को पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल पे दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। फिर स्टेट लेवल पे भी या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या किसी किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं होता है, पांच छह स्टेट में है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली सारे स्टेट में होता है। अगर कोई बिल पास करना रहता है तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर की बात करें तो किसी भी हाउस में, चाहे वो अपर हाउस में या लोअर हाउस में, अपर हाउस का दूसरा नाम राज्यसभा है और लोअर हाउस का दूसरा नाम लोकसभा है, किसी भी हाउस से वो पहले पास होता है, आइदर बाय सिंपल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बिल, जिस टाइप का बिल है। फिर एक हाउस से उठ करके वो दूसरे हाउस में आता है, दूसरे हाउस में जाकर के फिर वो उसी प्रोसेस से पास होता है, फिर वो जाके प्रेसिडेंट के पास आता है। फिर दूसरी चीज, बिल पास होने के अलावा अगर हम बात करें कि बिल को अप्रूव फाइनली कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है, वो चाहे तो बिल को अप्रूव भी कर सकता है, चाहे तो उसको रिटर्न भी कर सकता है, चाहे तो उसको रख भी सकता है, एक्सेप्ट सम सर्टेन बिल। वही देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। इंटर स्टेट रिलेशन को हम तीन हेड में देख सकते हैं। पहला चीज है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो कि हमेशा न्यूज में रहा है, इससे क्वेश्चन आने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इंटर स्टेट काउंसिल, फिर जोनल काउंसिल। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 263 में है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में है, सॉरी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 262 में है, इंटर स्टेट काउंसिल 263, फिर जोनल काउंसिल है। सबसे पहले देखते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर किसी दो स्टेट के बीच में कोई वाटर का डिस्प्यूट होता है, वाटर का डिस्प्यूट कैसे होगा, जैसे कोई रिवर है, रिवर ओरिजिनेट हो रही है एमपी से ओरिजिनेट होके वो जा रही है गुजरात में, राजस्थान में, फिर जाके वो किसी सी में जा रही है। वैसे ही कोई कृष्णा गोदावरी रिवर है, एमपी में फ्लो करती है, कर्नाटका में फ्लो करती है, एपी आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, महाराष्ट्र में फ्लो करती है, उड़ीसा होते हुए किसी समुद्र में जाती है। जो स्टेट अपस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम का मतलब जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ पे, उस स्टेट को ज़्यादा फायदा होता है। वो कभी कभी क्या करता है, वो स्टेट उस पानी को सेव कर लेता है या कोई डैम बना देता है या पानी को नीचे नहीं जाने देता है, और इसको लेकर के दो स्टेट के बीच में या तीन स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट इस तरह का रिवर्स रिलेटेड हो रहा है, उसके लिए सोल अथॉरिटी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में वो डिस्प्यूट नहीं जा सकता है, केवल उसका सोल्यूशन पार्लियामेंट के पास है। तो याद रखना है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल 262 के हिसाब से ओनली पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रिजॉल्व दैट टाइप ऑफ डिस्प्यूट। इसके लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी बनाया गया 1956 में, और इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है कि वो कुछ जज लोग का, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो लोग मिल करके सिचुएशन को देख करके कुछ फैसला देते हैं कि हाँ इतना पानी इसमें रहेगा, इतना पानी इस स्टेट में रहेगा। तो अभी के डेट में लगभग 7-8 ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, उसका हम देख लेते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कौन सा ट्राइब्यूनल्स किस स्टेट में है, किस स्टेट के लिए है, कब बना, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन सा ट्राइब्यूनल्स
किस स्टेट के लिए बनाया गया इसको ध्यान में रखना। तो सबसे पहला जो ट्राइब्यूनल्स बनाया गया था वो कृष्णा रिवर के लिए बनाया गया था 1969 में, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कृष्णा रिवर इन तीनों स्टेट से होकर निकलती गुजरती है, इसलिए तीनों के बीच में बनाया गया था। फिर गोदावरी रिवर के बीच में बनाया गया था 1969 में ही, जिसमें गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, टोटल 5 स्टेट इन्वॉल्व है। फिर नर्मदा रिवर के पास बनाया गया था 1969 में नर्मदा ट्राइब्यूनल्स, इसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र 4 स्टेट हैं। फिर रवि और बीज रिवर जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में फ्लो करती है, उसके लिए बनाया गया था 1986 में। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी ट्राइब्यूनल्स 1990 में बनाया गया था, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी तीन स्टेट, दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी चाहिए। ये हमेशा न्यूज में रह सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ ले कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस आर्टिकल्स के तहत बनाया गया था, 262। फिर वसुंधरा रिवर के पे बनाया गया था 2010 में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन्वॉल्व है। सेकेंड कृष्णा वाटर ट्राइब्यूनल्स बनाया गया था 2004 में, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीन स्टेट इन्वॉल्व है। फिर महादाई वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2013 में, जिसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीन स्टेट है। तो ये कम से कम ये पता चल गया कि किस स्टेट में कौन सी रिवर फ्लो करती है। इसके अलावा 262 में इंटर स्टेट ट्रेड डिस्प्यूट, इंटर स्टेट कोर्ट्स वो भी देखा जाता है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में देखते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है कि एक पूरे स्टेट को मिला करके एक काउंसिल बनाया गया है आर्टिकल्स 263 के हिसाब से, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। याद रखना है कि सरकारिया कमीशन 1990 में बनाया गया था, उसमें जनता दल गवर्नमेंट, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल होता है, अंतर राज्य परिषद, इसके जो चेयरमैन होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर, जो भी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन रहेंगे, और बाकी जो उसके मेंबर्स रहेंगे जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। फिर जहाँ पर जिस यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पुदुचेरी, दिल्ली, वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है वो रिप्रेजेंट करेंगे। फिर गवर्नर किसी किसी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो उसके रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, जिसमें से एक होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का होना जरूरी है। बाकी जो 5 मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, 5 मिनिस्टर में जिसको नॉमिनेट कर दे वो उसका मेंबर रहेगा। तो हो गया इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर। इसके अलावा इस इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर में एक स्टैंडिंग कमेटी काम करता है, क्योंकि अकेले जितने भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लोग ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को और सारा भी बहुत काम देखना रहता है। तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं जो हमेशा स्टैंड करती है, जो मतलब डिजॉल्व नहीं करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कभी चेंज हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर कभी भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है वो परमानेंट कमेटी रहे। ये 1996 में बनाया गया। इसके जो चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर रहते हैं, फिर यूनियन होम मिनिस्टर चेयरमैन है, प्लस 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और 9 चीफ मिनिस्टर, जिसको भी सिलेक्ट किया जाएगा, वो बारी बारी से चेंज होते रहेंगे। इन लोगों को स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। फिर इस स्टैंडिंग कमेटी के अलावा एक सेक्रेटरीट में सचिवालय भी मेंटेन किया जाता है इंटर स्टेट काउंसिल में, जिसको बोला जाता है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी होता है वो हेड करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 301, 307 से लेकर के 307 तक पार्ट 13 में पब्लिक रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग के को देखता है। अब हम बात करते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। जोनल काउंसिल क्या होता है, एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है, स्टेचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है मतलब इसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल के थ्रू नहीं बनाया गया, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल नहीं दिया गया। आज के डेट में केवल 5 जोनल काउंसिल हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सेंटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। नॉर्थ जोनल काउंसिल जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, इतने सारे स्टेट हैं। जो साउथर्न जोनल काउंसिल है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी इसका मेंबर्स है। फिर ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है वो कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है। फिर वेस्टर्न जोनल काउंसिल जो है उसका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, इसमें यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश,
इतने सारे स्टेट है, याद रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, 7-8 सिस्टर स्टेट, उसका कोई भी मेंबर जोनल काउंसिल में नहीं है, उसके लिए अलग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को 262 से सॉल्व करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल से बहुत सारा जो भी मैटर जो वाटर के अलावा या जो 262 से बच जाता है उसको इंटर स्टेट काउंसिल सॉल्व करता है, फिर जो बच जाता है उसको जोनल काउंसिल सॉल्व करता है। फिर ये था इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, खास करके घुमा के जितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है ये इमरजेंसी प्रोविजन से आता है, और ये हमेशा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लीगल मैटर है। क्वेश्चन को घुमा के पूछता आदमी, पता चलता एग्जाम में लगता है कि सही बना क्या है, लेकिन जब आके बुक चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, तो गलत हो जाता है। तो इसको हम समझने के लिए इस तरह से समझेंगे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जितना भी इमरजेंसी है उसका हम तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले उसका ग्राउंड देखेंगे, किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन का मतलब होता है कैसे उसको लगाया जाता है। फिर उसका रिवोकेशन देखेंगे, रिवोकेशन का मतलब अगर लग गया तो फिर कैसे खत्म किया जाता है। फिर उसका इफेक्ट देखेंगे, उसका अगर एक बार इमरजेंसी लग गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है हमारे संविधान के पार्ट 18 पार्ट के आर्टिकल 352 से 360 टोटल 8 आर्टिकल्स है जो केवल इमरजेंसी प्रोविजंस को डील करते हैं। इसको याद रखना है, आर्टिकल 352 टू 360, 8 आर्टिकल्स इन पार्ट 18। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के 3 प्रकार होते हैं, जो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है 360 के तहत। क्लियर हो गया, तीनों आर्टिकल याद रखना है, नेशनल 352, प्रेसिडेंट 356 और फाइनेंशियल 360। अब देखते हैं कि कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले ग्राउंड देखते हैं कि किस ग्राउंड पे लगाया जाता है। जो नेशनल इमरजेंसी है उसका ग्राउंड है, 2 ग्राउंड बनाया गया है, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी लगता है जब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, अगर किसी देश से वार लड़ाई हो जाता है या कोई बाहर से आतंकवादी घुसपैठ करके देश को डिस्टर्ब करता है किसी बॉर्डर एरिया से, उस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को पावर है कि वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दे। दूसरा है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी में होता है कि अगर आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे, इसको बोलते हैं कि अगर अपने ही देश का सिटीजन्स हथियार लेकर के और गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर दे, पुलिस से लड़ना शुरू कर दे, आर्मी से शुरू कर दे, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो इंटरनल इमरजेंसी लगा सकता है। फिर इसका जो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय लगाया गया था, जो बेसिस था वो बेसिस बताया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस का मतलब अगर देश के अंदर में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेसिडेंट को पावर रहता था कि वो इमरजेंसी लगा दे। और इस पावर का मिसयूज की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1975 में, जबकि 1975 में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी पे इलाहाबाद कोर्ट कुछ बैन लगाया था इलेक्शन लड़ने के लिए, और उस बैन को वो टॉलरेट नहीं कर पाई अपने चेयर को बचाने के लिए, 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर करती, जिसका कोई बेस नहीं था। उस समय इमरजेंसी लगाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अपना कुर्सी बचाने के लिए वो इमरजेंसी लगाई थी, और उसी के चलते 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है उस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को काट करके हटा करके संविधान से, और आर्म्ड रिबेलियन लगाया गया। मीन्स अगर कोई हथियार लेकर के बहुत सारा लोग अगर देश की आर्मी पे या देश के पब्लिक सर्वेंट पे हमला करता है, तभी हम इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। फिर अब प्रोक्लामेशन क्या प्रोसेस है लगाने का, कोई जितने भी इमरजेंसी है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, वो सारा इमरजेंसी लगाने का फुल पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। वो जो नेशनल इमरजेंसी है पूरे कंट्री में भी लगा सकता है प्रेसिडेंट, या कंट्री के किसी पार्ट में, देश के किसी भाग में जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है वो लगा सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हाँ नहीं पूरा देश का सिक्योरिटी को खतरा है, तो पूरा देश में भी लगा सकता है। अगर कहीं खास एरिया जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, बांग्लादेश वाला एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल, तो केवल पार्ट में भी लगाया जाता है। उसके बाद केवल कैबिनेट का रिकमेंडेशन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो पूरे कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, केवल प्राइम मिनिस्टर जाके बोले उस समय नहीं लगा सकते। जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में क्या हुआ था कि
कैबिनेट के मेंबर्स जितने भी मिनिस्टर थे उनको कुछ नहीं पता था। इंदिरा गांधी आके प्रधान राष्ट्रपति से बोले कि मैं इमरजेंसी लगा दीजिए, राष्ट्रपति बेचारे लगा दिए, जो कि गलत हुआ था। तो ध्यान रखना है कि रिकमेंडेशन हमेशा कैबिनेट का होना चाहिए। कैबिनेट रिकमेंड कर दिया उसके बाद उसको रिटर्न में अप्रूवल भी देना होता है। अप्रूवल कैसे देना है कि जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर, पहले उस 60 दिन का समय दिया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब इंदिरा गांधी अपना कारनामा दिखाई तो उसके बाद उस 60 दिन को घटा करके 30 दिन कर दिया गया कि 30 दिन के अंदर दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ जो इमरजेंसी लगाया गया वो सही लगाया गया। और जो अप्रूवल मिलेगा वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ मिलना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा में के हों 543 मेंबर या राज्यसभा के हों 250 मेंबर्स, दोनों का कम से कम 50% मेंबर्स उसको अप्रूव करे, प्लस 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एट ए टाइम, उस समय वोटिंग के टाइम में या अप्रूवल के समय में जितने मेंबर्स वहां प्रेजेंट है हाउस में, जितने लोग बैठे हुए हैं, उसका 2/3 भाग दोनों मिल करके इस इमरजेंसी डिक्लेरेशन को अप्रूव करता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया उसके बाद लोकसभा डिजॉल्व हो गया, तो उस कंडीशन में लोकसभा डिजॉल्व होने के 30 दिन, जैसे आज अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ और लोकसभा डिजॉल्व हो गया 10 दिन के बाद, तो अगला लोकसभा जब बनेगा उस लोकसभा बनने के 30 दिन के अंदर में उसको फिर से अप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट डे ऑफ, जिस दिन फर्स्ट सिटिंग होगा लोकसभा का, उस फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन के अंदर में उस इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। एक बार जब अप्रूव हो गया तो फिर हर एक 6-6 महीना पे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, माने दोनों हाउस को, लोकसभा को और राज्यसभा को, स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस इमरजेंसी को 6-6 महीना पे अप्रूव करना पड़ेगा। और एक इंडेफिनिट टाइम तक, अगर लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर चाह रहे हैं कि नहीं इमरजेंसी अभी हटाना ठीक नहीं है, तो अनिश्चित काल के लिए इसको चलाया जा सकता है हर एक 6-6 महीना के गैप पे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज पहला इमरजेंसी लागू हुआ, लागू होने के बाद 6 महीना तक चला, फिर दूसरा बार अप्रूव हो गया, फिर 6 महीना के लिए पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर दिया और बीच में ही लोकसभा डिजॉल्व हो गया। अगर ऐसा केस आता है, लोकसभा अगर डिजॉल्व हो जाता है, तो फिर अगला लोकसभा जो बनेगा उस अगला लोकसभा बनने के 30 दिन के अंदर में फिर उसको या तो अप्रूव करना पड़ेगा या तो उस इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि जितना भी एक्सटेंशन होगा नेशनल इमरजेंसी का, वो हमेशा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के थ्रू होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ होता है। अगर डिजॉल्व करता है तो अगला सिटिंग के 30 दिन के अंदर में उसको फिर से या तो एक्सटेंड करना है या तो रिवोक करना है। तीसरा है इसमें रिवोकेशन। एक बार जब इमरजेंसी लग गया तो स्थिति कंट्रोल में, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है, फिर उसको अगर स्थिति नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तो फिर उस इमरजेंसी को ख़त्म किया जाता है। तो ख़त्म करने का जो पावर है केवल प्रेसिडेंट को है, विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट का कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं इमरजेंसी लगाया गया था, अभी स्थिति सामान्य है, तो बिना किसी से पूछे हुए इमरजेंसी को रिवोक खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को लग रहा है, लोकसभा के मेंबर्स को लग रहा है कि नहीं अब सिचुएशन सामान्य हो गया है, उस कंडीशन में क्या है कि लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से रिटर्न में प्रेसिडेंट को दे कि आप इमरजेंसी को खत्म कीजिए। और ये लोकसभा अगर लिख के देती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द इमरजेंसी। उसके अलावा अगर 1/10 ऑफ मेंबर्स, 1/10 मेंबर्स, मतलब 54 मेंबर ऑफ लोकसभा अगर लिख करके देते हैं प्रेसिडेंट को या स्पीकर को कि आप इमरजेंसी को रिवोक कराइए, उस कंडीशन में भी इमरजेंसी रिवोक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो तब भी लोकसभा के 1/10 मेंबर्स डायरेक्ट प्रेसिडेंट को लिख के दे सकते हैं कि आप इमरजेंसी को रिवोक कीजिए। 3 कंडीशन हो गया रिवोक का, प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपने से भी कर दिया, लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास कर देता है इमरजेंसी खत्म करने के लिए, तभी रिवोक हो जाता है, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते भले ही उनको लगे कि हाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके अलावा अगर 1/10 ऑफ मेंबर लोकसभा रिटर्न में स्पीकर को नोटिस दे, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो 1/10 मेंबर रिटर्न में डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भी दे सकता है और इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है।
ये देखने से लग रहा है कि इमरजेंसी को लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन खत्म करना बहुत आसान है। फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एक बार जब इमरजेंसी लग गया तो देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट तीनों हो दो तीन जगह होता है इफेक्ट। पहला इफेक्ट हम देखेंगे सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे, सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन डिस्टर्ब होता है। फिर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और आदमी का जो फंडामेंटल राइट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से दिया हुआ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो सेंटर में दो पार्ट है, तीन पार्ट होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पार्ट और फाइनेंशियल पार्ट। अगर हम एग्जीक्यूटिव पार्ट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कभी सस्पेंड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है और वही वैसे ही काम करता है जैसे पहले काम कर रहा होता है, बस सेंटर के डायरेक्शन पे काम करना रहता है। जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, लेजिस्लेटिव पार्ट मतलब जो रूल बनाने वाला काम है, उसमें पार्लियामेंट को फुल पावर मिल जाता है स्टेट लिस्ट पर। तीन लिस्ट बताए थे, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो जनरली जो स्टेट लिस्ट पे रूल बनाने का काम होता है वो स्टेट का होता है, लेकिन जब फाइनेंशियल जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाता है स्टेट लिस्ट पे पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट का हो जाता है। पार्लियामेंट जैसे मन करे वैसे रूल बनाती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा मेनली यूनिटरी नेचर का हो जाता है, उसका फेडरल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फिर जो पार्लियामेंट जो नियम बनाता है इमरजेंसी के टाइम में, वो नियम 6 महीना के बाद, जैसे इमरजेंसी जब खत्म हुआ, इमरजेंसी का जब रिवोकेशन हो गया, 6 महीना के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, उसमें कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं। फिर फाइनेंशियल पार्ट में क्या होता है, प्रेसिडेंट को फुल पावर होता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पैसा का बंटवारा होता है सेंटर और स्टेट में, वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से करेंगे। अगर स्टेट को अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं स्टेट को पैसा देना ठीक नहीं है या ज़्यादा पैसा की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उस डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हो गया सेंटर स्टेट का रिलेशन। अगर हम देखें लोकसभा और स्टेट असेंबली का रिलेशन क्या होता है, तो लोकसभा का लाइफ जो है 5 साल से ज़्यादा 1 साल तक बढ़ सकता है, ठीक है, और इनडेफिनिट टाइम तक बढ़ सकता है। मतलब अगर लग रहा है नेशनल इमरजेंसी जब तक लगा रहा है तब तक लोकसभा का टाइम बढ़ते रहेगा, लेकिन अगर जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो गया तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीना से ज़्यादा लोकसभा को नहीं बढ़ाया जा सकता है, अगला 6 महीना के अंदर में चुनाव होना ही है। सेम उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, जैसे ही इमरजेंसी लागू हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल से ज़्यादा 1-1 साल तक एक्सटेंड होते रहेगा जब तक इमरजेंसी लागू रहेगा, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुआ 6 महीना के अंदर अगला चुनाव कराना ही कराना है। फंडामेंटल राइट की बात करें, फंडामेंटल राइट में बहुत ही थोड़ा सा टैक्टिकल है, थोड़ा समझने वाला है, इसको ध्यान से समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन 2 आर्टिकल्स दिए हुए फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए, छीनने के लिए। कौन कौन आर्टिकल? आर्टिकल 358 और 359, 358 और 359। दोनों में डिफरेंस मतलब इस दोनों आर्टिकल का यूज करके प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट हमारे आर्टिकल्स को, जो फंडामेंटल राइट्स के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो छीन सकते हैं। छीनने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हम बताए थे कि इसमें जुडिशियल जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल का मतलब अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को छीन रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम कहाँ चले जाते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या तो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में जाकर के आर्टिकल 226 के हिसाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहा है, इसको कृपया वापस कराया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 32 के हिसाब से जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है हमारे लिए काम नहीं करता है, इस पे हम नहीं जा सकते। अब देखते हैं कि अगर स्टेट या सेंटर फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर रहा है, तो अगर 358 आर्टिकल्स के हिसाब से कर रहा है तो केवल 6 फंडामेंटल राइट जो हमको मिला है आर्टिकल 19 में उसी को सस्पेंड कर सकता है, बाकी सबको नहीं कर सकता है। जैसे हम बताया है कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट बताया गया है। इस 12 से 35 में आर्टिकल 19 जो है इसको बुलाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमको बोलने का अधिकार दिया जाता है, एक्सप्रेशन, उसके बाद मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन,
ये जितने भी अधिकार होते हैं, आपको बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, प्रोफेशन का अधिकार, कोई भी प्रैक्टिस करने का अधिकार, असेंबली बनाने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का अधिकार, ये सारा अधिकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है बिना कोई रूल बनाए हुए। जो आर्टिकल 19 में हमको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है एज पर आर्टिकल 358। इसके लिए कोई रूल बनाने का जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को। लेकिन अगर वही फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किया जाता है आर्टिकल 359 के तहत, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इसमें क्या होता है, सारा का सारा फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, दो आर्टिकल को छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक, ये सारा का सारा खत्म हो जाता है, मतलब सस्पेंड हो जाता है। फिर आर्टिकल 20 में क्या है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 20 में है लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जिनको जीने का अधिकार जो होता है, और कन्विक्शन फॉर ऑफेंस वाला अधिकार है, ये आर्टिकल 359 में भी खत्म नहीं होता है, 358 में भी खत्म नहीं होता है, केवल इस दो आर्टिकल को छोड़ के सारा फंडामेंटल राइट खत्म होता है। फिर ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे पार्लियामेंट सस्पेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो 358 ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लेकिन 359 जो है वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ग्राउंड पे लगाया जाता है। अगर इंटरनल इमरजेंसी है, उस अगर कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, आर्म रिबेलियन, देश के लोग ही हथियार लेके सरकार से लड़ना शुरू कर दिया, वहां पे हमारा दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल इमरजेंसी होता है, बाहर से एग्रेशन हो रहा है और एक्सटर्नल इमरजेंसी होता है, तो इस कंडीशन में आर्टिकल 359 का यूज किया जाता है। लेकिन 359 का यूज इंटरनल, 358 का यूज इंटरनल के केस में, इंटरनल इमरजेंसी के केस में नहीं किया जा सकता। फिर सस्पेंशन क्या होता है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगा बिना कोई रूल बनाए हुए, बिना किसी प्रेसिडेंट के ऑर्डर के 358 इन यूज होता है, मीन्स बिना किसी ऑर्डर के हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 वाला, वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर 359 लगाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालना पड़ता है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है कि हम हमारे देश में इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा हुआ है और स्थिति कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम फलाने फलाने आर्टिकल्स, फलाने फलाने फंडामेंटल राइट को वापस ले रहे हैं। उसमें 20 और 21 के अलावा जितने भी आर्टिकल्स चाहें गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही लिख करके ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो केवल कुछ खास आर्टिकल वाले फंडामेंटल राइट को लिया जाएगा, अगर लगेगा कि स्थिति ज़्यादा मतलब खराब है तो सारे फंडामेंटल राइट को ले लिया जाएगा एक्सेप्ट 20 एंड 21। फिर ड्यूरेशन क्या होता है, अगर 358 से लगाया जाए तो पूरे जब तक इमरजेंसी रहेगा तब तक फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहेगा, लेकिन अगर 359 से लगाया जाए तो स्पेसिफिक पीरियड, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता है, जब प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं तो उसमें लिखे रहते हैं कि हाँ ये 3 महीना के लिए या 6 महीना के लिए या 10 महीना, जितना भी उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखा रहेगा उतना टाइम तक वो फंडामेंटल राइट हमारा गायब रहेगा। एरिया क्या है, अगर हम 358 का यूज करें तो पूरे कंट्री में यूज होता है, लेकिन जो 359 है वो किसी पूरे कंट्री में भी यूज हो सकता है और किसी पार्ट में भी हो सकता है। तो देखने से पता चला कि जो फंडामेंटल राइट का इफेक्ट है 359 में ज़्यादा डेंजरस होता है इंडिविजुअल के लिए, 358 में थोड़ा सा ईजी होता है, मतलब तो कुछ राइट हमारे पास रहता है। ये सारा हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। अब दूसरा हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल में हम बात करेंगे जिसको वो जिसका दूसरा नाम है स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये कब लगाया जाता है, अगर इसका दो रीजन है लगाने का। पहला रीजन क्या है कि दो आर्टिकल दिया है संविधान में, एक आर्टिकल है 355 355 और दूसरा आर्टिकल है सॉरी 356 और एक आर्टिकल है 365। 356 और 365 दो आर्टिकल का यूज करके प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी लागू करता है। पहला रीजन 356 में क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करता है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया का, वहां पे फाइनेंस स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑटोमेटिक लगा देता है। लेकिन इसका एक चीज याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा रहा है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि इमरजेंसी जब लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर होता है
कि उस चीज को रिव्यू कर पाए कि सही में इमरजेंसी लगाने का जरूरत था या कुछ दूसरे पॉलिटिकल बेनिफिट से या कुछ और रीजन से लगाया गया, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता। फिर दूसरा एक आर्टिकल 365 है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन देता है कि आपको ऐसे करना है, वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उस डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं किया, उस डायरेक्शन को पूरा नहीं माना, उस कंडीशन में भी आर्टिकल 365 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी पर प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है। इसका भी अप्रूवल दोनों हाउस से होना चाहिए। जब एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया तो दोनों हाउस इसको डिक्लेयर करेंगे, अप्रूव करेंगे, अपर हाउस भी लोअर हाउस भी, लोकसभा राज्यसभा दोनों डिक्लेयर करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब फाइनेंशियल जब स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होता है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। इसका जो टाइम पीरियड है अप्रूव करने का, इसके अप्रूवल के लिए हमको तो 2 महीने का समय चाहिए, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में केवल 1 महीने के अंदर में अप्रूव करना रहता है। तो ये चीज़ याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में डिफरेंस। स्टेट इमरजेंसी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, इसमें जुडिशियल रिव्यू होता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ना जुडिशियल रिव्यू होता है ना सिंपल मेजोरिटी होता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी होता है। फिर इसका अप्रूवल 2 महीने के अंदर में स्टेट इमरजेंसी का, लेकिन सेंट्रल नेशनल इमरजेंसी का 1 महीने के अंदर में। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है 2 महीने के अंदर में, तो फिर अगला लोकसभा जब बनेगा उसके 30 दिन के अंदर में उस इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। एक बार जब अप्रूव हो गया तो 6-6 महीना पे उसको कंटिन्यू करते रहना है, अप टू 3 ईयर्स। इसमें टाइम लिमिट भी दिया गया। टाइम लिमिट क्या है, एक बार अप्रूव होने के बाद 3 साल तक वो चालू, 3 साल तक ही हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि इंडेफिनिट टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं, हर एक 6-6 महीना पे अप्रूव करते रहिए, बढ़ाते रहिए। लेकिन स्टेट इमरजेंसी का टाइम लिमिट है कि 3 महीना तक ही स्टेट इमरजेंसी रह सकता है। 3 महीना के अंदर में उसको सुधार, या तो चुनाव कराना है, या तो सरकार को गिराना है, या गवर्नर जैसे भी हो, इमरजेंसी को 3 साल के अंदर में खत्म करना है। और अगर लेजिस्लेटिव लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है 2 महीना के अंदर में, तो फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर में उसको या तो कंटिन्यू करना है या तो खत्म करना है। इसका रेवोकेशन क्या होता है, ओनली बाय प्रेसिडेंट विदाउट रिजोल्यूशन ऑफ एनी लोकसभा। इसमें अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इसमें रिजोल्यूशन करने के लिए, रिवोक करने के लिए, खत्म करने के लिए या तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा बिल, या तो 1/10 मेंबर लोकसभा के रिटर्न में लेटर देंगे लोकसभा को, स्पीकर को या तो प्रेसिडेंट को, अगर लोकसभा डिजॉल्व है या कंडीशन में सेशन में नहीं है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी के लिए कोई लोकसभा का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट जब चाहे डिक्लेयर कर दे कि हाँ आज से हम स्टेट इमरजेंसी खत्म कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव मतलब लेजिस्लेटिव, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, फिर कैबिनेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा कंप्लीट डिसमिस्ड हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। स्टेट लेजिस्लेटिव जो होता है, जो रूल बनाने का काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या तो उसको खत्म कर दिया, डिजॉल्व कर दिया जाता है। ये डिफरेंस हो गया नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव बॉडी एज वेल एज लेजिस्लेटिव बॉडी कंप्लीट डिजॉल्व कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में कोई डिजोल्यूशन या सस्पेंशन नहीं होता है, केवल पावर जो है सेंटर के पास आ जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू का कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि उसको रिव्यू करे, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रहता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में दिया हुआ है, 360। इसका ग्राउंड क्या है, अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हमारे कंट्री का या किसी पार्ट ऑफ कंट्री का, किसी पार्टिकुलर स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, जो वित्तीय व्यवस्था है अगर उसमें कोई खतरा का नजर आ रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नजर आ रहा है, तो उस सब कंडीशन में भी प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है जुडिशियल रिव्यू के तहत, वैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लायबल होता है जुडिशियल रिव्यू का। इसका भी प्रोक्लामेशन सेम प्रोसेस है, जिस तरह से स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है, अपर हाउस और लोअर हाउस 2 महीने के अंदर में अप्रूव करेंगे विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब ये स्टेट इमरजेंसी से मिलता जुलता है। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया 2 महीने के अंदर में, तो अगले लोकसभा सिटिंग के एक
30 दिन के अंदर में, फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर में उसको अप्रूव करना पड़ता है। एक बार अगर अप्रूव हो जाता है तो हर एक 6 महीना पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इंडेफिनिट टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव किया जा सकता है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी को केवल 3 साल के लिए एक्सटेंशन किया दिया जा सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर इन्फिनिटिव टाइम, लेकिन स्टेट इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड ओनली अप टू 3 ईयर्स। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया 6 महीना के अंदर में उसको एक्सटेंड करने के बाद, तो अगला लोकसभा सिटिंग के 30 दिन के अंदर में, फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर में उसको या तो कंटिन्यू करना पड़ेगा या तो डिजॉल्व करना पड़ेगा। रिवोकेशन सेम प्रोसेस है, केवल प्रेसिडेंट को पावर है, इसमें लोकसभा या राज्यसभा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इफेक्ट क्या होता है, सेंटर हैज फुल कंट्रोल ऑन स्टेट ओनली ऑन द फाइनेंशियल मैटर, जितने भी फाइनेंशियल मैटर है उस पर पूरा सेंटर का कंट्रोल हो जाता है। सेंटर चाहे तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जैसे हाई कोर्ट के जज हो गए, लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए, गवर्नर हो गए, इनका सैलरी घटा सकता है। कोई अगर मनी बिल पेंडिंग है या फाइनेंशियल बिल पेंडिंग है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि इसको रोक के रखो, इसको अभी पास नहीं करना है, इसको रिजर्व करके रखो। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 तरह का इमरजेंसी हम लोग डिस्कस कर लिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंटर स्टेट रिलेशन भी देख लिए, आई थिंक इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हो गया होगा। अगर कोई डाउट है आप इस वीडियो को 2-3 बार करके पॉज कर करके देखें, नोट्स भी बना सकते हैं। अगर इसके बाद में नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।